हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे गुरु जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ना कि थ्रू बैलेंस एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थ्रू बैलेंस एप्लीकेशन में हम पैसा किस तरह से निकालें। ठीक है, जो हमको लोन मिल जा रहा है, लोन तो मिल ही जा रहा है इजीली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, लेकिन इसमें हम जो है प्रॉपरली इसका पैसा किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में लें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और अगर जो आपका भी पैसा फंसा हुआ है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब यार बात कर लेते हैं इसमें हम कि किस तरह से इसका पैसा अपने बैंक अकाउंट में निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं बताऊँ, इससे पहले आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा थ्रू बैलेंस एप्लीकेशन ओपन हो गया, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस यहाँ पे कुछ लोग का कमेंट ये आ रहा था कि सर इसमें अगर जो आप कुछ कमेंट करेंगे तो यही करेंगे कि हम इसमें पैसा किस तरह से लें और इसमें साइन अप किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कि आपको किस तरह से इसमें साइन अप करना है और किस तरह से आपको लोन मिलेगा। उसमें मैं ऑलरेडी ये भी बताया था कि पैसा किस तरह से निकालेंगे, बट कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था कि हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं आज आपको प्रॉपरली बता दूंगा इस वीडियो में, फुल डेडिकेटेड वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर हम थ्रू बैलेंस एप्लीकेशन से पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे लें। तो दोस्तों अगर जो आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जो अगर जो आपको ये भी जानना है कि हम लोन कैसे लें तो उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में लोन किस तरह से अप्लाई करते हैं। और लोन आपको मैं बता दूँ कि विद इन वन सेकेंड मैं नहीं बोल सकता, बट विद इन वन मिनट के अंदर आपका अप्रूव हो जाता है, और अप्रूव होने के बाद आपको पैसा इनिशिएट मिल जाता है। ठीक है, अब इसको लेने के बाद समझ लीजिए आपका लोन अप्रूव हो गया, तो लोन अप्रूव होने के बाद आपको आपका पैसा किस तरह से आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपको कितने का अमाउंट सिलेक्ट हुआ है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कंग्रेचुलेशन योर लोन हैज़ बिन अप्रूव्ड। ठीक है, गेट इट नाउ, यहाँ पे आपको गेट इट नाउ का ऑफर मिल जाएगा। तो अगर जो पैसा आपको लेना है तो आपको यहीं पे गेट इट नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे इसका कुछ EMI और कब पे करना है ये सब सारा ड्यू सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर जो आप पैसा इससे ले रहे ना, तो आपको ये चीज़ कन्फर्म होना चाहिए कि इसका पैसा कब पे करना है, क्योंकि पता रहेगा तभी आप इसका पैसा पे कर पाएंगे और अभी तभी आप इसमें आगे का काम और आगे का पैसा जो है ले पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जा रहा होगा कि यहाँ पे 1813 जो है 9 सितंबर को पे करना है, और जो है 1814 10 अक्टूबर को पेमेंट करना है। ये दोस्तों विद इन एक मंथ का इसका वो रहता है EMI, आप भी जानते होंगे। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है ये आपको जब इस अमाउंट पे क्लिक करेंगे ना, फाइनल डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो ये होता है कि आपको 3188 रुपये आपका लोन अप्रूव हुआ है, लेकिन ये प्रोसेसिंग चार्ज प्लस GST चार्ज ये माइनस होने के बाद आपको 3000 रुपये टोटल डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट मिल गया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका मुझे पैसा किस तरह से निकलेगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का ये पैसा है, और प्लस इंटरेस्ट 6.90% जो है 219 रुपये होता है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसको पैसा लेने के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना रहेगा। प्रोसीड पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो तुरंत आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना रहेगा। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर और फिर IFSC कोड, ठीक है, यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम यही होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, और IFSC कोड जो है आपको यहाँ पे डालना है। दोस्तों ये चीज़ डालने के बाद आपको विद इन 10 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, और पैसा मिलने के बाद आप उस पैसे को अपने डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर UPI से पैसा उसको कहीं भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बट यार ध्यान रहे कि इसका जो इंस्टॉलमेंट है रिपेमेंट इसका मतलब टाइमिंग कब है, ये टाइमिंग है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसके एक महीने बाद आपको इसका जो है पेमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी तरह का और कन्फ्यूजन है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में तो यार कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।